आज 18वीं लोकसभा अधिवेशन का दूसरा दिन है। लोकसभा स्पीकर नु लेके वड्डी खबर सांझी कर रहे हैं। दोबारा स्पीकर बनाए जाएंगे ओम बिरला, सोसेदवाल तो वड्डी खबर का जिक्र कर रहे हैं। एनडीए तो ओम बिरला होंगे स्पीकर दे उम्मीदवार, कैंडिडेट होंगे। ओम बिरला संसद पहुंच चुके ने ते संसद भवन च पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई च मीटिंग चल रही है ते मीटिंग च बिरला भी शामिल है। लोकसभा स्पीकर नु लेके एनडीए ने विरोधी धिर नाल गलबात भी की। स्पीकर के नाते सहमति बनाने लई गलबात की जा रही है ते थोड़ी ही देर स्पीकर की नामजदगी भी होगी। इनफैक्ट 12 बजे तक नाम देना होगा। हालांकि राजनाथ सिंह ते किरण रिजिजू की ड्यूटी लगाई गई है कि इंडिया ब्लॉक के नाल मीटिंग करन ते खबर आ भी निकल के सामने आ रही है कि बार्गनिंग की जा रही है। जो एनडीए ब्लॉक है उसका कहना है कि ओम बिरला नु स्पीकर बनाया जाए। हालांकि रजामंदी उनादी लेनी पवेगी क्योंकि यूनानिमसली सर्वसम्मति दे नाल ही स्पीकर दी चोन होंदी है। पर इंडिया ब्लॉक दे वलों मांग की जा रही है कि जो डेप्टी स्पीकर है इंडिया ब्लॉक दे वलों बनाया जाए। देखना होगा कि सहमति बनती है कि नहीं, यूनानिमसली सर्वसम्मति दे नाल स्पीकर दी चोन होंदी है नहीं। जे जो कोई भी गल सिरे नहीं चढ़ी तो देश दे संविधान च पहली बार होगा कि स्पीकर दे ओहदे दे लई स्पीकर दी पोस्ट दे लई चोन करवाई जाएगी। इस बार जो ऑपोजिशन है वो क्वाइट स्ट्रोंग है क्योंकि ऑपोजिशन 234 सीटा मिली ने। जो एनडीए है एनडीए को 293 सीटा ही है। 240 सीटा बीजेपी ने हासिल कीतियां सी जिसनों लेके गठबंधन की सरकार है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार है। हुण बार्गनिंग की जा रही है। ऑनरेबल मेंबर्स, 262 members have taken oath affirmation yesterday. Names of members who could not take oath or affirmation yesterday will be called in the end. Now, Secretary General. Maharashtra, Advocate Goval Kagda Padvi. मैं गोवाल कागड़ा पाडवी, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ। कर रहे हैं दोबारा स्पीकर बनेंगे। स्पीकर ऑफ लोकसभा दिलाई कैंडिडेट का नाम जो है वो फाइनल हो चुका है। ओम बिरला दिलाई सर्वसम्मति नाल यानी कि यूनानिमसली नाम जो है आगे दिता गया है। ते दस दे कि लोकसभा स्पीकर ने कि वड्डी खबर का जिक्र कर रहे हैं। एनडीए च नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस सहमति बनी है ओम बिरला दे जो नाम ते ही चर्चा की गई है। ओम बिरला का नाम ही एनडीए दे वल्लों फाइनल किया गया कि ओम बिरला का नाम ही लोकसभा स्पीकर दे लई अग्गे रखा जाएगा। ते थोड़ी ही देर च जिस नूं लैके 12 बजे तक आनाम देना सीगा ते हुण सहमति बन चुकी है। एनडीए च नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस च सहमति बन चुकी है कि आज जो नाम है ओम बिरला दा नाम फाइनल हो चुका है। ओम बिरला दा नाम नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस दे वल्लों दित्ता जाएगा। हालांकि राजनाथ सिंह ते किरण रिजिजू दे वल्लों इंडिया ब्लॉक दे वल्लों जो है गलबात की जाएगी। ते हुन वेखना होएगा कि इंडिया ब्लॉक दे वलों भी कोई कैंडिडेट खड़ा कीता जा सकता है या नहीं। हालांकि जैसे देखिए तो यूनानिमसली सर्वसम्मति दे नाल जो है फैसला लिया जाता है तो संभावना काफी बड़ी है कि इंडिया ब्लॉक दे वलों भी अपना कैंडिडेट ऐलानिया जा सकता है। जे कैंडिडेट इंडिया ब्लॉक दे वलों भी ऐलानिया जाता है तो देश के संविधान च पहली बार होएगा कि स्पीकर दे ओहदे दे लई चोण होएगी। हालांकि संभावना इसकी घट नजर आ रही है पर ओम बिरला दा नाम जो है एनडीए दे वल्लों फाइनल कर दिता गया है कि ओम बिरला ही कैंडिडेट होंगे स्पीकर दे चोण दे ओहदे दे लई। तो इस विचाले जो इंडिया ब्लॉक है अपना कैंडिडेट भी ऐलान सकता है पर उसकी जो संभावना है काफी घट नजर आ रही है। जे इंडिया ब्लॉक
अपना कैंडिडेट ऐलानदा है ते देश च पहली बार स्पीकर दी पोस्ट दे लई चोण होएगी। मेरा मेरे सहयोगी पंकज कपाही फोन लाइन ते जुड़े हुए ने। पंकज जानना चाहवांगे कि एनडीए दे वल्लों ते सर्वसम्मति दे नाल ओम बिरला दा नाम फाइनल कर दिता गया है, की संभावना है कि इंडिया ब्लॉक भी कोई कैंडिडेट अपना देगा स्पीकर दे चोण दे लई? देखो अजय इंडिया अलायंस ने तय ही नहीं किया अजय उन्होंने वक् जिहड़ियां पार्टियां ने कि किसनूं अगे नाम जिहड़ा रखा जाए, लेकिन एनडीए दे वल्लों इस वेले ओम बिरला का नाम अगे रखे। इस वेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात भी ओम बिरला होरां दे नाल कर रहे हैं और लगभग ओम बिरला का जिहड़ा स्पीकर बनना तय मन्निया जा रहा है, क्योंकि एनडीए दी सारी जिहड़ियां पार्टियां ने उन्होंने इसके उत्ते सहमति जताई है और उस तो बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिहड़े ने इस वेले ओम बिरला दे नाल मुलाकात पार्लीमेंट दे विच कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद इसका ऐलान भी हो जाएगा और क्योंकि ओम बिरला दे कोल तजर्बा भी है, जिहड़ी पिछली 2019 तो 2024 दे दौरान एनडीए दी गवर्नमेंट सीगी उस वेले भी लोक सभा दे स्पीकर जिहड़े ने ओम बिरला रह चुके ने, तां इक वार फिर उन्हां दा स्पीकर बनना जिहड़ा लगभग तय। इंडिया ब्लॉक इस गल नाल सहमत होएगा? देखो इंडिया ब्लॉक के वालों अजे तक कोई भी रिएक्शन जो सामने नहीं आया, हालांकि प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑपोजिशन को कंस्ट्रक्टिवली सरकार के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खारगे जी को फोन आया, राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे, अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है, तो नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि कन्वेंशन है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन का होना चाहिए और हमने कहा है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि अगर कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा तो पूरा समर्थन स्पीकर के इलेक्शन में हम देंगे। तो ये मैं आपको क्लैरिफाई करना चाह रहा था। यूपीए के समय में हमने दिया था, तो मेरा कहना है कि नरेंद्र मोदी जी कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, यही इनकी फॉर्मूला है, यही इनकी स्ट्रेटजी है और इनको ये बदलना ही पड़ेगा। थैंक यू। देखिए इशू क्या है कि पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री के शब्दों का कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री कहते हैं कोऑपरेशन होनी चाहिए, सबको मिलकर काम करना चाहिए, बाहर वो कहते हैं और अंदर कुछ और करते हैं। और हमारे लीडर को कहा गया कि कॉल रिटर्न होगा, अभी तक कॉल रिटर्न नहीं हुआ है। धन्यवाद। अगर, 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 अगर,